तकरीबन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग आज चलेंगे चैप्टर नंबर 3, जहां पे हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ पाइथन। पाइथन में दो मोड होते हैं, पहला नॉर्मल या स्क्रिप्ट मोड और दूसरा इंटरैक्टिव मोड। हम लोग दोनों मोड को धीरे धीरे समझेंगे इसे कि क्या होते हैं ये नॉर्मल मोड और इंटरैक्टिव मोड। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, द नॉर्मल मोड इज द मोड वेयर द स्क्रिप्टेड एंड फिनिश्ड डॉट पी वाई फाइल्स आर रन इन द पाइथन इंटरप्रेटर। हम लोग इसे थोड़े देर में समझेंगे, पहले हम इंटरैक्टिव मोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरैक्टिव मोड इज अ कमांड लाइन सेल विच गिव्स इमीडिएट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट। इंटरैक्टिव मोड पाइथन में वो होगा जिसमें हम लोग जैसे ही कमांड लिखेंगे वैसे ही इमीडिएट तरीके से तुरंत उसका रिजल्ट हमें शो कर देगा पाइथन। इसे लगता है कि जो आपने कमांड लिखा है उसका आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो तुरंत चाहिए तो ये तुरंत दे देता है। और अब हम लोग पिछले प्रोग्राम में देखे होंगे कि ये तीन जो ग्रेटर देन एरोज लगे हुए हैं, ये एरो हमारे पाइथन प्रोग्राम में दिखे थे उस समय। इसका मतलब होता है कि पाइथन आपको इंटरैक्टिव मोड में लेके आया हुआ है और यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे उसका तुरंत आउटपुट देगा। हम लोग पिछले प्रोग्राम में भी देखे थे कि उसमें भी अगर हम लोग a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 एंड सम इज इक्वल टू a प्लस b कर देते थे तो तुरंत आउटपुट दे देता था, क्योंकि उसे लगता था कि आपको आउटपुट चाहिए। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे कि इंटरैक्टिव मोड में और नॉर्मल मोड में क्या अंतर है। नॉर्मल मोड को थोड़ा सा समझने के लिए, नॉर्मल मोड में मतलब है कि किसी भी अगर पाइथन का प्रोग्राम को बनाया गया हो तो उस प्रोग्राम को हम लोग सेव करेंगे डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ। पाइथन का एक्सटेंशन नेम है डॉट पी वाई। हम जो भी प्रोग्राम को सेव करेंगे और फिर से उसे अगर रन करना चाहते हैं तो हम लोग उसे डॉट पी वाई फाइल में सेव करेंगे। यही होता है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में स्क्रिप्ट को लिखा जाएगा और बाद में भी उसको हम लोग रन कर सकते हैं। इंटरैक्टिव मोड में ऐसा नहीं है, आपको तुरंत इमीडिएट चाहिए, वो सेव नहीं होगा, वो तुरंत वैसे ही आउटपुट दिया, बात ख़त्म। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने पाइथन प्रोग्राम में। पाइथन का प्रोग्राम हम लोग खोलते हैं, हमने सेव किया था, इंस्टॉल किया था पाइथन 3.7। हम लोगों ने पहले भी खोला था इंटरैक्टिव मोड पाइथन 3.7। ये देखिए यहाँ पे ये जो तीन एरोज नज़र आ रहे हैं यही बताता है हम लोगों को कि हम इंटरैक्टिव मोड में हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर लिखते हैं a इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6 देन हम लोग कहते हैं कि प्रिंट कर दो क्या a प्लस, हम लोग a प्लस b देखे थे, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं कि होता है या नहीं होता है। प्रिंट a इंटू b होता है, कुछ भी आप करवा सकते हो। ये इंटरैक्टिव मोड में है, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट दिखा दिया कि आपको चाहिए क्या 30 चाहिए, वो समझ क्या। अब हम लोग एक और देख लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग लिख दिए नेम इक्वल टू ऑन कुमार। ठीक है, अब हम आते हैं क्या लिखते हैं कि प्रिंट कर दो क्या नेम। ठीक है, कितने बार कर दो, 3 बार कर दो, बस इंटर कर दिए, ये 3 बार लिख दिया। हम लोग स्ट्रिंग को भी इस तरह से कर सकते हैं, हम लोग पहले भी सी या सी प्लस प्लस में भी हम लोग किए थे, कंकैटिनेट करते थे और उसको डुप्लीकेट करते थे। यहाँ पर भी बस ये सिंपल प्रिंट कीजिए, स्ट्रिंग कीजिए, स्ट्रिंग को कितने बार करना है वो कर दीजिए। तो ये तुरंत देख रहे होंगे कि ये इंटरैक्टिव मोड में रिजल्ट बता दे रहा है।
एक चीज और आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में, कि मान लीजिए हमने लिखा टू, ठीक है, टू नहीं, हमने लिखा ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू सेवन, ठीक है। अब हम लिख देते हैं कि प्रिंट कीजिए क्या b डिवाइडेड बाय क्या b डिवाइडेड बाय a। हमने कहा कि b को डिवाइड कीजिए a से और जो रिजल्ट होगा उसे प्रिंट कर दीजिए। तो ये प्लॉट में इसका वैल्यू दिखा दिया, क्योंकि इसे मालूम है कि आपको रिजल्ट चाहिए एक्यूरेट। पहले वाले पाइथन में ऐसा नहीं हो पाता था, उसमें इंट टाइप में अगर आपने कुछ डाला है तो वो इंट ही लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे पाइथन अपडेट करते गया है, तो ये मालूम है इसे कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एक्यूरेट ही चाहिए। हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा इसका नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड खोलने के लिए हम लोग अपने पाइथन के फोल्डर में जाएंगे, पाइथन में हम लोग उसका IDLE खोलेंगे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यहाँ पर भी देखिए ये जो सेल खुला हुआ है, यहाँ पर भी अगर आपने लिखा A इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 7.5 एंड B डिवाइडेड बाय A कर दिए, तो ये रिजल्ट को बता दिया। अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं इंटरैक्टिव मोड में। हम अगर यहाँ से एक न्यू फाइल ले लें, अब हम यहाँ से एक नया फाइल को बना लेते हैं। आप इसे नोटपैड में भी बना सकते हैं, आपके पास जो भी एडिटर हो आप उसे बना सकते हैं। ये खुद देता है, हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने कहा वही कोड जो यहाँ पर हमने लिखा है, देख लेते हैं कि वो रन होता है नॉर्मल मोड में या नहीं। ए इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमने लिखा बी इक्वल टू 7.5। अब हमने लिखा बी की बी को डिवाइड कर दो ए से, तो ये क्या हो जाना चाहिए था, रन हो जाना चाहिए। हम लोग इसे सेव कर लेते हैं, पाइथन फाइल में हम सेव करेंगे इसे। हम लोग जहाँ चाहें इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये पाइथन 3.7 में सेव हो रहा है, हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। रन करने के लिए सिंपली हम लोग F5 दबा सकते हैं या रन दबा सकते हैं। F5 करेंगे, यहाँ पे आके रन हुआ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है कि आपको करना क्या है। नॉर्मल मोड में स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, आप इंटरेक्टिव मोड की तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पे अब वापस आते हैं अपने फाइल में, और यहाँ पे सिर्फ हम लिख देते हैं कि प्रिंट करो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7.5, और यहाँ पे अब हम कर देते हैं क्या, प्रिंट करो b इज इक्वल b डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। ये अब प्रिंट किया 1.5, अब ये रिजल्ट दिखाया। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। जस्ट हमने अभी देखा कि सिर्फ अगर प्रिंट लिख दिए हैं तो रिजल्ट दिखाया। हम लोग अपने अगले वीडियो में हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी अब बनाना सीखेंगे। हमने जस्ट अभी देखा कि इंटरैक्टिव मोड क्या होता है और नॉर्मल मोड क्या होता है। इंटरैक्टिव मोड में हमने क्या देखा है कि जो भी हम लोग कुछ भी रन करना चाहेंगे वो इमीडिएट आउटपुट उसका
जस्ट दे देगा। जैसे अगर हमने हेलो लिख दिया, हेलो हम लोग कैसे लिखेंगे, या तो सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में हेलो। तो ये हेलो को प्रिंट कर दिया जस्ट, हम लोग जो चाहेंगे वो तुरंत इमेडिएट उसका रिएक्शन देगा। अगर हमने थ्री लिखा, थ्री को भी आउटपुट दिया। अगर हमने ये कहा कि प्रिंट कर दो किसे, हेलो को थ्री बार, तो क्या करता था वो तीन बार प्रिंट करता था। लेकिन इसके पास तो अब सेव नहीं ना है, इंटरेक्टिव मोड में कुछ सेव नहीं होता, पहले वाला सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसमें ऐसा आप नहीं सोचने वाले कि पहले वाले जो हम लोग आउटपुट दिए हैं, इनपुट दिए हैं, उस पर काम करने वाला है। जैसे अगर हमको लिखना होता ऐसा, तो हम लोग को फिर से क्या लिखने पड़ेगा इंटरेक्टिव मोड में। हमने फिर से लिखा क्या कि ए इज इक्वल टू हेलो, हमने यहाँ पे सेव किया, ए वेरिएबल में हेलो सेव किया। अब हमने लिखा क्या प्रिंट, अब लिखेंगे हम लोग किसे, हेलो को, किसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटू थ्री, इतने बार प्रिंट कर दो। तो ये प्रिंट कर दिया। चलिए ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोग्राम। बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।